तो सॉरी 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 तो चैन दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार आ चुके थे पोचिंग की में और टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये ट्रिक हर बार काम करती है, दरवाजे से ना जाके अगर खिड़की से जा जाए तो सामने वाले को घंटा भी पता नहीं चलता और वो खिल जाता है। लेकिन 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 अब हमारे ऊपर है एक बंदा जो कि पिलने वाला है बहुत ही गंदा। अब इसको जैसे मारा, हमारे टीममेट पे शेर हमला कर देता है। क्या रे सफेद शेर? सफेद शेर बहुत ही खूंखार था और इधर बालकनी में लेटा हुआ था। बेड़े ये मगरमच्छ जैसी हरकतें काय को कर रहे हो तुम शेर हो हैं? तुम्हारा काम तो क्या है वो झाड़ी में ऐसे छुप के बैठने का? सामने से कोई हिरन बिरन आ रहा है तो उसको दबोचना है? तुम ये बालकनी में बैठ के मगरमच्छों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो हैं? घोंचू। अब इसका ही टीममेट उस सामने वाले स्क्वाड हाउस में था, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इसको कैसे मारूं, लेकिन तभी मैंने सोचा कि भाई पीछे से भी कोई आ सकता है। तो पहले मैंने पीछे जाके चेक किया। तुम पियो तो गंगा जल है। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कपड़े कौन से पहन ले इसने? तो भाई उन कपड़ों में मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरा करियर डाउन होता जा रहा था, उसकी वजह से मरे जा रहा हूँ। कभी 10 किल पे मर गया, कभी 15 पे मर गया, 20 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा आज थोड़े से अलग पहनते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने बॉट वगैरह सब कुछ मार लिए थे, तो अब बारी थी उसकी जो कि स्क्वाड हाउस में छुपा हुआ था। अब ये बंदा क्या करता है ना, वो कोने वाले रूम में जाके बैठ जाता है। तो मैंने क्लाइंशर से कहा कि भाई यार तू फायर वायर कर दे, मैं ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ, लेकिन इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं थी शायद, और उस बंदे को पता चल गया। चलो बेटा बस चलो भाई। अब इसको तो मैंने ठिला दिया, लेकिन हमारे सामने जो चर्च है ना, वहां से एक बंदा पता नहीं किसको मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको नॉकआउट कर दिया। और ये देखो पीछे से आप घोचू। अब इस बंदे ने फालतू में फायर कर दिया और उसकी वजह से पिट गया, लेकिन ये बंदा रिवाइव हो जाता है, क्योंकि यार मैं ऑब्वियसली अगर सामने से जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे रास्ते में लपेट लेगा, और फिर मैं धूल खाते खाते अगर बच गया तो बच गया, वरना तो पेटी बनना तय थी, है कि नहीं? कौन छोड़ता है भाई नॉक बंदे को, वो भी ओपन से जा रहा है तो नहीं छोड़ता। तो अब मेरा टारगेट था ये बंदे जिसको मैंने अभी नॉकआउट किया था, लेकिन ये बंदे दो थे। अब मैं यहाँ पे प्लान बना रहा था कि भाई इसको ठिलाऊ तो ठिलाऊ कैसे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बूस्टर लगा दिए ताकि उधर जाके हमें चपड़ाई दिखानी पड़े, मतलब कि फुर्ती दिखानी पड़े, है कि नहीं? अब मेरा प्लान था उन बंदों को मारने का, और ये मेरे टीममेट देखो किसी से उधर ही पिट रहे हैं। तो मैंने सोचा बाण में जाए वो मरने दो, उनका तो रोज का ये मरते ही रहते हैं, अपन चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये बंदे देखो कितने खतरनाक तरीके से कैंपिंग। अब देखो बस क्लैंचर अबे ठिल गया क्या? मेरा टीममेट यहाँ पे ठिल गया और मुझे उसका अंदाजा भी नहीं था। खैर छोड़ो, वो भी मर गया। अब इधर देखो, इसने हमारे टीममेट को फिर से नॉकआउट कर दिया। लेकिन अब इसका भी अंतिम समय निकट आ चुका है। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस चलो भाई फटाफट से आओ रे भाई, टाइम पास मत करो उधर, फिर से वो रिवाइव हो जाएगा, फिर से उसको मारना पड़ेगा, फिर से फिर तुम लोग नॉकआउट हो जाओगे, मुझे ही बचाना पड़ेगा सबको, इसलिए जल्दी आओ और खत्म करो मामला। दुनिया में कितना गम मेरा गम कितना है। अब क्या हुआ ना गाइस, इस साइड का पूरा एरिया क्लियर हो चुका था, लेकिन जो आगे वाले 5 घर होते ना, वहां पे लड़ाई चल रही थी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ
तो मुझे सामने से फुटस्टेप आते हैं। मैंने सोचा कि अंदर एक बंदा होगा, लेकिन यार ये बंदा इस घर में नहीं था, वो आगे वाले घर में था, मतलब कि इससे भी आगे जो घर है ना छोटा वाला, उसके अंदर से फुटस्टेप आ रहे थे। बट मेरे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे लगा कि इसी घर में है। लेकिन जब तक हम वहां पे पहुंचते तब तक वो बंदा आगे निकल जाता है। तो करना क्या था, हम भी चलते आगे। Mark the location. चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। अरे अब इस ग्रेनेड से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बंदा बहरा हो जाता है। ये देखो, मैं इसके मुंह के अंदर घुस गया, लेकिन इस बंदे को घंटा पता नहीं चला। अब मैं इधर से चौड़ चौड़ में उतर तो जाता हूँ नीचे, लेकिन पीछे जब मुझे दो बंदे दिखते हैं तो मेरी पट्टी फ्लावर हो जाती है। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि इन बंदों को कैसे मारना है। अगर ओपन में जाऊंगा ना तो ये बंदे मुझे इतना मारेंगे ना, मेरा आंख मुंह कान सब कुछ सुजा देंगे। ये देखो, देखा आवाज आ रहा है माइक में। अब इनको जैसे ठिला, इनका एक बंदा तुरंत रिकॉल होता है और मैं उसको तुरंत निपटा देता हूँ। पेटी कौन सी? वो भी सोच रहा होगा भाई यार यहाँ पे क्यों आया, अगर नहीं आता तो जिंदा होता। ये बड़े बड़े चार नंबर और तीन नंबर तेरी वजह से हुआ है सब, हरामखोर। Watch out! अब ये भी ठिल गया, तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अपने 16 के रो चुके हैं, मजाक थोड़ी ना है। लेकिन भाई फिर से यहाँ पे एक बंदा आता है। ये देखो, एक एक कहाँ से घुस रहे हो भाई। अब तुम्हें याद है क्या, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे मैंने एक बंदा मारा था, है ना? तो अब हम इसी घर पे वापस आते हैं और इस घर में वही बंदे होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। तब मैंने उसको ग्रेनेड से मारा था, अब वो मौली से मरेगा। ये देखो, अरे वापस आला। लेकिन यार इसका दूसरा टीममेट था, पता नहीं कहाँ पे, शायद वो रिकॉल नहीं हुआ। टेंशन की कोई बात नहीं भाई, क्या है यार ये? वो सफेद शेर की तरह ये भी इधर लेटा हुआ था भाई, कमाल करते हो यार। अबे मैं मना दे मारा लो कुछ। खैर छोड़ो, यहाँ पे मेरा टीममेट मुझे एन वक्त पे बचा लेता है, लेकिन अब आगे जाके इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली मुझे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। चलो यार, कब से बंदे मार रहा हूँ, मार मार के 17 किल कर दिए। थोड़ा सा दुकान पे जाके कुछ खरीदारी कर लेता हूँ, वैसे भी दिवाली आ रही है। हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइज। क्या लू, ये बड़ा वाला लू क्या? चलो ये बड़ा वाला मैग लेता हूँ, बढ़िया। और क्या है इसमें, फर्स्ट एड पेन किलर। अबे बच गया, मजाक मजाक में बहुत आवाज गया। अब ऑब्वियसली हमेशा की तरह अपन की किस्मत तो है, किस्मत तो अपनी बढ़िया है भाई, लेकिन हमारे टीममेट की गुस्से गुस्से में ओपन में मत जाया करो यार, वरना ये होता है। ओके, कांगल वरियाला तेरे पिताला छोड़ दो तरफ पे आ रहे हैं यहां पे।
चलो यार अब मेरे को इनका बदला लेना पड़ेगा, मेरी तो जिंदगी बदला लेते लेते ही जाएंगी लग रहा। अब थ्री स्टोरी पिन का एक बंदा नॉकआउट है और दूसरा वाला वो सामने वाले घर में है, ठीक है? ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है ना, नॉक वाला ये घिसड़ घिसड़ के रेंग रेंग के उसके टीममेट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो पहुंच पाएगा? ना ना ना। लेकिन यार उसका किल मेरे को भी नहीं मिलता। एक घोचू उधर वो चर की साइड से मेरा किल चुरा लेता है। मालूम और मेरे को भी बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया इसने। लेकिन रुक, तेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि ये सामने वाले बंदे ने उसको निपटा दिया। अब देखो अगर मैं ओपन से जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये बंदा मुझे क्या कर देगा, ठिला देगा, है कि नहीं? लेकिन अब इसको नहीं मारूंगा तो जोन क्या कर देगा, मेरे को ठिला देगा, है कि नहीं? तो अगर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, करना बिरना कुछ भी नहीं। लेकिन इधर से एक गाड़ी आती है। बहुत डैमेज। और ये ऊपर वाला घोचू मेरा किल चुरा रहा था। नहीं, ये ले मौली। ओ नाउ यू फक्ड अप भाई। मैंने जैसे मौली फेंकी बंदा तुरंत उधर से उतर के सामने वाला जो शैक है उसके अंदर चला गया। लेकिन कब तक बचेगा, कब तक? ये देखो भाई, जानवर की तरह अंदर छुपा हुआ है। दरवाजे चमा दो भाई। बकरी की तरह अंदर छुपा हुआ है और मैं शेर की तरह। चले बड़ा बस। अबे क्यों छुप रहा है भाई, अब तो जोन भी आ चुका है, कौन बचाएगा तेरे को आके इधर। खैर खैर खैर, वहां से मैं निकल जाता हूँ और आता हूँ इस साइड। अब यहाँ पे देखो, मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने मार मार के लगभग सुअर बना ही दिया था। भाई इसको यूएमपी के दो हेड पड़े, उसके बाद में ये देखो हेड पार ले दोन। इतना सारा मैंने मारा उसे, शायद उसके पास अमृत था तो उसने जल्दी जल्दी हील कर ली, क्योंकि उतना टाइम तो ऑब्वियसली उसको नहीं मिला था, तुरंत ही भाग गया ना वो। तो मैं भी तुरंत भाग के इस साइड आता हूँ। मुझे पता था ये बंदे जोन में आने वाले और आना तो उनको इसी साइड से। इनके पास ना तो गाड़ी थी ना ही कुछ घंटा था। तो ये देखो राइट सरा, अब ये बंदा जानवर की तरह जंगल में भाग रहा था तो मैंने इसकी जांघों पे गोली मार के इसकी जान ले ली। जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अब सिचुएशन समझो, मैंने उन बंदों को अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं मारा और ये बंदे लास्ट में अपन की गाड़ी, समझ रहे हो ना? अब मैंने क्या किया, उधर से मैं निकल के इस साइड आया और वो जो बंदे मैंने छोड़े थे ना उधर, वो बंदे इन बंदों से फाइट कर रहे थे जो कि मेरे आगे थे। और अब मेरे दिमाग में एक प्लान था कि भाई नो फुटस्टेप वाली बकचोदी पेलते पेलते मैं आगे जाऊंगा और उन बंदों को सर्व का राइस अटैक दे दूंगा ताकि उनको संभलने का मौका ना मिले। और ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन वो दूर वाले बंदों ने इनको मार मार के इनका कच्छा फाड़ दिया। और मैं जब तक आता हूं तब तक ये होता है भाई। जरा सा अगर जल्दी आ जाता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी।
और ऊपर से मेरे पास ये कागज की गोलियां भी नहीं थी यूएमपी में, तो मैं यहाँ पे टेंशन में आ गया था। लेकिन अपन के पीछे दो चार पीटियां पड़ी तो है ना, तो उसमें से अपन को मिल जाती है क्या, AWM। अब तुमको तो पता है अपन ओम कितनी खतरनाक चलाता है, और ऊपर से इनके पास एटेक्स भी नहीं था। लो भाई, अब तो सोने पे सुहाग दूंगा मैं इधर, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट आई एम अ इंटरनेशनल नूब स्नाइपर, एंड विद द एटेक्स मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सो हाउ इट इज पॉसिबल विद द 3x? अब सिचुएशन समझो, एक बंदा यहाँ पे, दूसरा बंदा उधर है, और तीसरा बंदा इस साइड है, और ना तो मेरे पास कवर है ना लॉन्ग रेंज की गन थी। यहाँ पे गलती मेरी यार, मैंने ओम की जगह अगर M4 या फिर दूसरा कुछ उठा लिया होता तो शायद यहाँ पे मेरी दाल गल सकती थी, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, चलो बड़ा भारत माता की। खैर छोड़ो यार, इस मैच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, चिकन नहीं हुआ वो तो नसीब नसीब की बात रहती है। तो आशा करते हैं आपको गेम प्ले पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।